कर्म का जो हिसाब है वो धन के हिसाब की तरह से नहीं। धन का हिसाब तो बहुत सरल, और इसलिए आज की दुनिया में स्कूलों में बच्चों को धन का हिसाब पढ़ाया जाता है, कमाई का हिसाब पढ़ाया जाता है। अब बच्चे धन का हिसाब तो इतना अच्छा सीख लेते हैं, लेकिन कर्म का हिसाब नहीं सीख पाते, तो परिणाम ये निकलता है कि धन कमाने में तो होशियार हो जाते हैं, लेकिन कर्म की कमाई में कमजोर रह जाते हैं। अगर जैसे हम धन की कमाई सिखाते हैं ऐसे कर्म की कमाई सिखाएं, तो बच्चे लौकिक में भी और पारलौकिक में भी दोनों में सफल होंगे। आज आप देखिए जितनी भी विद्या की शाखाएं हैं सबका अटेंशन इस बात पे ही है कि बच्चा पढ़ लिख करके धन कमाए या डिग्री ले या नाम पाए या पद पाए, अर्थात ज्ञान का प्रयोग धन कमाने में किया जा रहा है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग पवित्र बनने में नहीं किया जा रहा। ज्ञान का प्रयोग विकारों को शमन करने में नहीं किया जा रहा। पढ़ा लिखा व्यक्ति ये तो गिनती करता है कि मैंने कितनी क्लास पढ़ी, मेरे पास कितनी डिग्री है, लेकिन वो ये गिनती नहीं करता कि मेरे कितने विकार कम हुए। आज किसी विकार के वशीभूत होकर मैंने कोई कर्म तो नहीं कर दिया। ज्ञानी का लक्षण ये है, सच्चा ज्ञान वो है, सच्ची डिग्री वो है जो प्रतिदिन हमें ये सुझाए कि आज मेरे से कोई विक्रम तो नहीं, आज मेरे से कोई पाप कर्म तो नहीं। और जब हम ये गिनती करने लगेंगे तब सच्चे अर्थों में हम कर्मों के धनी बनेंगे, और वो धन हमारे साथ अगले जन्म तक भी जाएगा।